हाय दोस्तों, वेलकम टू एनरिचिंग टॉक्स। और हम लोग आज आपके लिए वापस से हमारा एक नया एपिसोड लाए हैं फ्रॉम द सीरीज ऑफ जेई काउंसलिंग। इस सीरीज में हम लोग फोकस कर रहे हैं कुछ ऐसी ब्रांचेस पे जिनके बारे में स्टूडेंट्स को या तो बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है या फिर उन ब्रांचेस के बारे में स्टूडेंट्स में कुछ मिसकंसेप्शन हैं। और हमारे मोटो न्यू थ्योरी ओनली प्रैक्टिकल ज्ञान को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको मिलवाएंगे अनिरुद्ध संत से। सो हाय अनिरुद्ध, वेलकम टू एनरिचिंग टॉक्स। हेलो अभिषेक, हेलो सत्यम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। श्योर, दैट्स आवर प्लेजर अनिरुद्ध, थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग टाइम आउट। सो अनिरुद्ध, एक आपके क्विक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो मैं अनिरुद्ध हूँ, मैं इंदौर से हूँ और मैंने IIT मद्रास से BTech और MTech कोर्स किया है। इट्स अ ड्यूअल डिग्री कोर्स। यूजुअली लोग कंफ्यूज होते हैं बीटेक इंटीग्रेटेड कोर्स और ड्यूअल डिग्री से। सो जस्ट टू क्लैरिफाई कि मेरा ड्यूअल डिग्री था, इंटीग्रेटेड नहीं था। सो आई गॉट बोथ डिग्रीज, बीटेक एंड एमटेक। बीटेक मेरा नेवल आर्किटेक्चर में था और एमटेक मेरा ओशन इंजीनियरिंग में था। और मैंने 2015 में ग्रेजुएट हुआ। तो ये मेरा कोड फील्ड था, बट हाउएवर मतलब मैंने जॉब कोडिंग सेक्टर में लिया। So I started with a startup called Unmetric in Chennai, and then I took some experience for 4 years, and then I moved to one more startup called Vedantu. And currently, I'm now at Apple. And Apple, I'm also as a senior software engineer. In a retail store teams app, where काफी सारे retail store apps और systems रहते हैं जो online store और offline store पे काम करता है पूरा Apple का. So I'm one of the team out there. Great, great. So, आपके वर्क प्रोफाइल पे भी हम लोग धीरे से स्विच करेंगे कि हाउ डिड दिस ट्रांजिशन हैपन एंड एवरीथिंग। उससे पहले थोड़ा सा आपके ब्रांच के बारे में हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज ओशन एंड नेवल आर्किटेक्चर अबाउट, एंड इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसमें कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, एंड ओवरऑल कितना एकेडमिकली ये बेसिकली चिल होता है ये आपका सब्जेक्ट। ओके, तो मतलब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी थोड़ी सी जर्नी से। मतलब when whatever based off out of rank I was around 3100 something rank in JEE, so I had couple of options where I had to go to either IIT Kharagpur mein main ja sakta tha as a metallurgy or ya fir mujhe IIT Madras mein naval architecture mil raha tha. to main thoda explore kiya ki naval architecture hota kya, ocean engineering hota kya. to unke description se kafi interesting laga ki मतलब description was like more of ki 70% 75% of earth is with water. तो दिस काइंड ऑफ इंजीनियरिंग विल नेवर गो डाउन, इतना एक्साइटिंग उन्होंने ब्रोशर बनाया था अपना। और इट वाज इंटरेस्टिंग टू रीड बिकॉज मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल साइड का ओरिएंटेशन है मेरा वे ऑफ थिंकिंग में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स मुझे काफी इंटरेस्ट कर रहे थे जब मुझे ऑप्ट करना था। एंड ये ब्रांच सिर्फ खड़गपुर और मद्रास में थी, तो आई चोजन मद्रास, एंड सिंस इट वॉज अ बेटर रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ दिस सब्जेक्ट इन दैट कम्पेयर टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, तो ये मैंने चूज करा। ये 5 ईयर का कोर्स था, इसमें से 4 साल मैंने नेवल आर्किटेक्चर पढ़ा और 1 साल ओशन इंजीनियरिंग पढ़ा। अगर अलग अलग पढ़ना होता तो इसको 4 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स ऑफ एमटेक लगते हैं, बट सिंस लगातार में पढ़ रहे थे तो वी जस्ट सेव्ड 1 ईयर। तो इसमें नेवल आर्किटेक्चर में पूरा शिप डिजाइन कवर होता है। इसमें शिप कैसे बनती है, शिप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों होता है, सारे प्लान्स, टॉप व्यू, साइड व्यू और ऑल काइंड ऑफ व्यूज आर कवर्ड बाय अ पर्टिकुलर, हाउ अ पर्टिकुलर बॉयंसी इज वर्किंग ऑन दैट, हाउ पर्टिकुलर लोड सिस्टम वर्क्स ऑन दैट। शिप में इतना ज्यादा लोड कैरी करता है, मतलब इवन जितने भी इंडियन नेवीज के काफी सारी एयरक्राफ्ट है वो भी शिप पे लैंड करते हैं, मतलब इट इज दैट हैवी, इट इज वन ऑफ द हैवीएस्ट व्हीकल्स यू कैन एवर डिजाइन। तो इट काफी इंटरेस्टिंग होता है और काफी रॉबस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट इज इन्वॉल्व्ड हियर। तो इसमें बिकॉज मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओशन स्ट्रक्चर्स, नेवल आर्किटेक्चर, शिप डिजाइन, मल्टीपल फील्ड्स इन्वॉल्व थे इस स्ट्रक्चर, इस पूरे फील्ड में, इसलिए ये सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग था और मैंने थोरली एंजॉय किया। मतलब टू बी ऑनेस्ट, आज मैं डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, बट आई विल से दैट आई नेवर रिग्रेटेड टेकिंग दिस सब्जेक्ट एज पार्ट ऑफ माई एजुकेशन बिकॉज आई लर्न टोटली न्यू थिंग विच आई वुड हैव नेवर लर्न एनीवेयर एल्स। ये तुमको सिर्फ इंस्टीट्यूट में सीखने को मिलता है, तुमको कोडिंग तुम अलग जगह सीख सकते हो, खुद से सीख सकते हो, बट ये चीज तुमको स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट में सीखने को मिलता है। तो ये पूरा कोर्स करिकुलम था। राइट, मतलब ये सुन के ऐसा लग रहा है कि काफी जो 11th 12th में जो फिजिक्स में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए काफी फैसिनेटिंग होता होगा। बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मतलब मैकेनिकल ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर, तो और प्लस डिजाइन, तो इसमें दोनों चीज थी। मुझे डिजाइनिंग में भी इंटरेस्ट था, लाइक हाउ
पूरा डिजाइनिंग ऑफ शिप, पूरे स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं शिप्स के, और उसके ऊपर बॉयंसी कैसे वर्क करती है, उसके ऊपर फ्लूइड कैसे वर्क करता है, फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है, ये मतलब बहुत काफी इंटरेस्टिंग था। तो प्रोपेलर्स कैसे वर्क करते हैं ये भी काफी, तुमको रोटेशनल मैकेनिक्स वगैरह काफी काम आता है यहाँ पर, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स कवर होते हैं इस पूरे इसमें। राइट। तो अनिरुद्ध, जब कोर्स खत्म हो जाता है तो उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी स्टूडेंट के लिए होती है कि प्लेसमेंट्स का क्या स्टेटस होता है इस पर्टिकुलर ब्रांच में। तो ऑफकोर्स अपन जैसे IIT में डिस्कस करते हैं कि कोर आप या तो परस्यू कर सकते हैं या रिसर्च परस्यू कर सकते हैं, तो ये दोनों का क्या रेशो रहता है इस इंजीनियरिंग करने के बाद में, और उसके बाद में नॉन कोर जो आपने खुद परस्यू किया कोडिंग, तो नॉन कोर में क्या ऑप्शंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से बैंकिंग के जॉब्स हो गए या एनालिटिक्स के या कोडिंग के जॉब्स हो गए, तो और उसके लिए फिर प्रिपरेशन कैसे करनी पड़ती है, कहां से टाइम मिलता है? करेक्ट। सो आई थिंक मैं फर्स्ट पार्ट पे पहले आता हूँ जहाँ पर ये जानना है कि इसमें परसेंटेज ऑफ रेशियो कितना है, मतलब रेशियो ऑफ रिसर्च वर्सेस एक्चुअल फील्ड वर्क। तो इसमें I would say more or less 40-60% है, 40% research है, 60% engineering side है, actual practical aspect of it. Research इसलिए भी काफी ज्यादा है इसमें क्योंकि अभी भी काफी चीजें हैं जो we are trying to ensure कि ship अभी भी बहुत efficiently चले। तुम चाहते हो और efficiently friction कम हो जाए और load ज्यादा carry कर पाए और structure robust हो जाए, क्योंकि कोई भी ship आप बनाते हो मतलब 20-30-40-50 years तक चलते हैं ships, और इतना स्ट्रॉन्ग इनका डिजाइन है कि जो शिप आप बहुत हजार साल पुराना देखते थे अभी भी वो चल रहा है, मतलब दे आर वेरी सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ हाउ दे हैव डिजाइन समथिंग। सो रिसर्च इज वेरी वेरी हैवी इन इस एस्पेक्ट में, बट प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा है। मतलब आज इंडिया में, इंडिया हैज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोस्ट लाइन प्लस शिपिंग इंडस्ट्री एज वेल। आई वुड से कोचिन शिपयार्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया राइट नाउ। मजगन डॉक है मुंबई में जो, जहाँ पे बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। विशाखापट्टनम As everyone had said it, it's the biggest port in India. वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अदर देन दैट एक और बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है विच आई गॉट टू नो वेरी लेट इन माई कॉलेज डेज ओनली, दैट वी हैड अपॉर्चुनिटी टू गो इन टू इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी एक बहुत अच्छे पैकेज के साथ भी आता है प्लस बहुत अपॉर्चुनिटी के साथ आता है, बिकॉज यहाँ पर तुम यू जस्ट डू नॉट डू अ इंजीनियरिंग वर्क, आपका एज अ गवर्नमेंट सर्विस भी काउंट होती है यहाँ पर। मतलब जिसको है कि वी वॉन्ट टू सर्व पीपल नॉट जस्ट डू द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, यू आर इनडायरेक्टली डूइंग दैट अलॉट बिकॉज DRDO और इंडियन नेवी बहुत क्लोज वर्क करता है। प्लस यू गेट रैंक्स इन इंडियन नेवी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई डिड नॉट नो। आपको लेफ्टिनेंट के साथ एक्चुअली स्टार्ट करता है, सो यू आर नो लॉन्गर जस्ट अ इंजीनियर, यू आर अ लेफ्टिनेंट एज वेल। एंड ओवर द पीरियड ऑफ कोर्स यू गेट प्रमोटेड इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस आर्मी, और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रमोशन भी मिलता है। You get lieutenant, you become captain also someday. So आपका engineering work continue होता है, plus at the same time you feel that you are doing some kind of social work or some kind of defense work for your nation as well. हालांकि इसमें bond होता है जो बहुत कम लोगों को पता रहता है कि 10 साल का bond होता है, it's a very difficult choice one has to make. But then you get lot of time to decide कि हाँ 5 साल के इंजीनियरिंग या 4 साल के इंजीनियरिंग कोर्स में इट इज इनफ टू डिसाइड कि हाँ मुझे इंडियन नेवी में जाना है कि नहीं जाना है। बट इफ इट इज जस्ट प्लीज गो फॉर इट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। एंड रिसर्च इज इक्वली गुड, यूरोप में मैक्सिमम इसके यूनिवर्सिटीज है, US में भी है, सिंगापुर में है, काफी न्यू कंट्रीज है बिकॉज जहाँ जहाँ कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा है या फिर जहाँ जहाँ इस टाइप की इंजीनियरिंग बहुत पुरानी है, फॉर एग्जाम्पल यूरोप में यहाँ पे बहुत काफी पुरानी है, तो वहाँ आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है रिसर्च की, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में मिलती है, और इवेंचुअली आप फिर वापस इधर अकेडमिया में जाते हो या फिर फील्ड्स में जाते हो। तो रिसर्च में भी काफी स्कोप है और इसमें भी काफी अच्छा स्कोप है, मतलब प्रैक्टिकली। राइट। सो ये हो गया हमारा कोर साइड। कमिंग बैक टू द नॉन कोर साइड, जैसा कि आपने भी किया कि बेसिक आपकी भी प्रोफाइल वैसे मतलब काउंट कोर में होगी, बट कंपेयरिंग इट विद योर पर्टिकुलर ब्रांच आपने थोड़ा अलग फील्ड चूज किया। सो इसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है एंड कितना आपका पर्टिकुलरली आपका कोर्स आपको कितना सपोर्ट करता है इस चीज में, एंड साथ ही साथ आपको कितना टाइम मिल पाता है बाकी सारी प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर करने के लिए विद इन दिस ब्रांच? राइट। सो इसमें यू गेट इनफ टाइम, इट वोंट हैपन कि आपका कोर जो सब्जेक्ट है वो आपको ओवरबर्डन कर रहा है। हाँ, देर आर सर्टन सेमेस्टर्स जहाँ पे
एक्चुअली नेवल आर्किटेक्चर ब्रांच इज ओवरलोडेड विद लॉट ऑफ योर एग्जाम्स एंड थ्योरीज और बहुत सारे प्रैक्टिकल लैब्स और बहुत ज्यादा ओवरलोडेड रहता है. बट बाय एंड लार्ज यू गेट इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर अदर कोर्सेज एज वेल. यू हैव इन एवरी आई टी लाइक एवरी आई टी एन आई टी बिट्स यू ऑलवेज हैव इलेक्टिव्स टू चूज जहाँ पे आप इंश्योर कर सकते हो कि आप मैनेजमेंट साइड में थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो, एनालिटिक्स में ट्राई कर सकते हो. देर आर अदर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर आप वर्कशॉप्स लेके या फिर अदर ट्रेनिंग्स लेके ऑनलाइन कोर्सेस लेके आप डेटा एनालिटिक्स और इन सब फील्ड में जा सकते हो. यू गेट इनफ टाइम, वन थिंग इज एंश्योर दैट यू गेट इनफ टाइम टू ऑप्ट फॉर अदर कोर्सेस एज वेल. तो मैंने भी वही किया बट आई चोज इन ओनली इन माई प्लेसमेंट सेमेस्टर टू डिसाइड बिकॉज मुझे पहले 100% श्योर होना था कि नेवल आर्किटेक्चर इज नॉट अ प्रोफेशनल चॉइस फॉर मी. तो आई डिड वन इंटर्नशिप रिलेटेड टू शिपयार्ड, वन इंटर्नशिप रिलेटेड टू ओशन स्ट्रक्चर्स, वन इंटर्नशिप रिलेटेड टू शिपिंग सोसाइटी एंड वन रिसर्च प्रोजेक्ट. सो मैंने चारों डायमेंशंस वास्टली एक्सप्लोर कर लिए थे कि इज दिस गुड इनफ फॉर मी टू वर्क. तो मैंने रियलाइज करा कि इट इज गुड फॉर मी टू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, लर्न, डू द वर्क. बट एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा ये था कि आई डू नॉट हैव मच फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द चॉइस ऑफ सिटीज आई वॉन्ट टू मेक इन फ्यूचर. कि मुझे आज पुणे में जॉब करना है, हैदराबाद में, बैंगलोर में जॉब करना है. तो आई एम राइट नाउ इन इंडिया, आई एम वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू सिटीज. तो दैट वॉज वन ऑफ द रीजन. सेकेंड रीजन है कि इनिशियली यू आर पेड अ बिट लेस. आई डोंट वॉन्ट टू डीमोटिवेट स्टूडेंट्स हियर, बट वॉट आई वॉन्ट टू से कि इस फील्ड में ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर तुम थोड़ा रुकते हो तो ओवर आफ्टर लेट्स से 5 to 10 ईयर्स आपको मतलब एक्सपोनेंशियली आपका वैल्यू ग्रो होता है. बिकॉज ओशन इंजीनियरिंग नेवल आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. तो आपको यू हैव टू बी अ बिट पेशेंट इफ यू वॉन्ट टू परस्यू इन कोर हियर. बट येस, नॉन कोर यूल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. फ्रेंकली स्पीकिंग नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग वॉज ओपन टू ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज ड्यूरिंग द प्लेसमेंट्स, इंक्लूडिंग लाइक ऑल द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑल द फिनटेक्स, your lot of opportunities related to, let's say, Goldman Sachs. You have a lot of even computer science companies, lot of computer science companies are open to you, other than few, obviously Google, Microsoft were not open to you. But by and large, jo mechanical ke liye open tha wo tumhare liye open tha 99% cases mein. Bahut kam aisa hua hai ki yes, sirf mechanical ke liye open tha aur ocean engineering ke liye nahi tha, because courses kafi similar jaate hain inke. To bahut opportunities milegi, wo bhi koi problem nahi hai. तो आप एक्सप्लोर, मतलब मैं स्टूडेंट से रिकमेंड करूंगा कि प्लीज एक्सप्लोर योर अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट एंड देन चूज वाइजली. अनिरुद्ध, इसमें आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि आपको आईआईटी केजीपी में भी एक कोर्स मिल रहा था वर्सेस आईआईटी मद्रास, तो आपने यहाँ पे चूज किया. और क्या कोर्सेज आपको आईआईटीज में मिल रहे थे इसके अलावा जो आपने देखे होंगे, या फिर लेट्स से कि किसी स्टूडेंट की बिट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उन्होंने बिट्स में कोई लेट्स से कॉम साइंस या इलेक्ट्रिकल टाइप की ब्रांच मिल रही है या एनआईटीज में कोई ब्रांच मिल रही है, तो वो प्रेफर करना चाहिए या फिर ये प्रेफर करना चाहिए? तो उस तरह का डिसीजन आई थिंक आपने भी लिया ही होगा उस समय, या फिर कोई स्टूडेंट कैसे ले सकते हैं? करेक्ट. सो एज सेड कि मेरे टाइम पे आईआईटी खड़गपुर भी ओपन था, इवन रुड़की भी ओपन था. बट मैं एक और पॉइंट पे ऐड करना चाहता हूँ कि आईआईटी इंदौर भी अवेलेबल था. आई वाज गेटिंग आईआईटी इंदौर सीएस ब्रांच, तो मेरा फ्यूचर काइंड ऑफ सेट भी था अगर मैं आईआईटी इंदौर सीएस ले लेता. मतलब इवेंचुअली अगर मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना था तो आई कुड हैव चोजन आईआईटी इंदौर सीएस एज वेल. मैंने बिट्स भी दिया था, बिट्स में भी आई वॉज गेटिंग इलेक्ट्रिकल और सीएस. अगर मैं थोड़ा सा एक अपग्रेड के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करता तो शायद मिल भी जाता. बट मैंने स्पेसिफिकली आईआईटी चूज करा, मतलब व्हाट आई वांट टू कन्वे कि मैंने इंस्टीट्यूट चूज करा ओवर द ब्रांच. एंड आई जस्ट वांटेड टू एंश्योर कि मैंने ब्रांच भी मैं ऐसी ना चूज करूँ जो मुझे, मैं उसमें पढ़ नहीं सकता. मतलब देर हैज टू बी सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट विच आई नीड टू हैव. फॉर एग्जाम्पल मेरी मेटलर्जी चॉइस नहीं थी, बाय चॉइस. मतलब मुझे अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में मेटलर्जी मिलता बट आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर इट. I opted for something which I was actually genuinely interested in, which was around mechanical engineering or ocean engineering architecture, completely fit this model for me. Aur main ye bhi ensure karna chahta tha ki institute acha ho so that I get exposure, better exposure. Second is the kind of branch I choose, I should be eventually open to more opportunities. मैं रेस्ट्रिक्ट ना हो जाऊं. अगर मैं फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री ले लेता तो हो सकता है शायद मेरा फील्ड रेस्ट्रिक्ट. आई एम नॉट श्योर कि आई एम राइट और नॉट, बट आई जस्ट वांटेड टू इंश्योर कि मैं ऐसी फील्ड लूं कि मेरा इंजीनियरिंग स्किल्स एनहेंस हो, प्लस
मुझे ये भी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं अदर देन कोर सब्जेक्ट आई एंजॉय अदर लाइक से लिटरेचर फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, आई गेट अपॉर्चुनिटी इनफ टू गिव सम टाइम देयर. प्लस इतना टाइम मुझे मिले कि आई एक्सप्लोर अदर कंपनीज, अदर ब्रांचेस, अदर सेक्टर्स, अदर प्रोफाइल्स एज वेल. तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे मिला था मेरे टाइम पे, तो आई चोज फॉर इट. सो I am totally happy with the choice. I'm so glad to know, Anirudh. Thanks a lot. I think in terms of the questions, those were all the questions that we had for you. अगर कोई student ये video देखने के बाद कोई question आपसे पूछता है, comment box में या हमें किसी और social media handle पे reach out करके, so definitely reach out to you for solving their queries. So thanks a lot, Anirudh, once again. I think आपने बहुत ही interestingly बताया कि how did you make that choice और आपने career transition कैसे किया है, and how this branch is particularly very closely related to mechanical, which was something of your interest at that point of time. So I think once again thanks a lot and thank you so much Abhishek. Thank you so much Satyam. एक और point मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे पास कई सारे, मैं since JEE coaching के ही field में हूँ, मेरे पास बहुत सारे students आते हैं कि हमें mechanical engineering चाहिए, हम कितनी rank लगेगी, 500 में rank लाना पड़ेगा, 1000 के अंडर रैंक लाना पड़ेगा. सो कई लोगों को शायद ये अवेयरनेस ही नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग केवल वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फॉर्म में आपको मैकेनिक्स पढ़ने नहीं मिलेगा, आपके पास बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस भी हैं जिसमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं. तो ये exactly, मतलब आप जो सत्यम बोल रहे ना, मतलब आई टेल यू, मतलब मैंने कोर्स किया है ना, तो देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सेम क्लास एज अदर ब्रांचेस एज वेल, राइट. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में आप अगर फिजिक्स के कोर्स करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि ओशियन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही ये क्लास अटेंड करेंगे, एवरीवन हैज टू अटेंड, राइट. सो आई टेल यू अराउंड 60% ऑफ कोर्सेज ऐसे थे जहां मैकेनिकल के स्टूडेंट्स और ओशियन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर के स्टूडेंट ने सेम क्लास अटेंड करी साथ में बैठ के, तो कहीं भी यू वोंट फील मिस्ड आउट. सेकेंडली ऑब्वियसली देर आर फ्यू कंपनीज लाइक कैटरपिलर इंक भी रहेगी जो ओशियन इंजीनियरिंग के लिए कोई मतलब का नहीं है, दैट इज प्योरली फॉर मैकेनिकल. बट फॉर एग्जाम्पल रोल्स रॉयस मैकेनिकल के लिए भी रहेगा, ओशियन इंजीनियर बिकॉज इट इन्वॉल्व समवेयर सम काइंड ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स इन्वॉल्वमेंट एंड रोटेशन. तो देर आर सर्टन सब्जेक्ट स्पेसिफिक टू मैकेनिकल, सर्टन सब्जेक्ट स्पेसिफिक टू ओशियन इंजीनियर, बट देर आर लॉट ऑफ कॉमन कंपनीज एंड कॉमन क्लासेस, कॉमन कोर्सेस. तो डोंट वरी अबाउट इट, आप एंजॉय करेंगे एज लॉन्ग एज यू आर ओके एंड वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दिस स्ट्रीम. राइट, सो थैंक यू. मतलब ये मेरे लिए भी काफी कुछ, मुझे काफी सारी नई चीजें पता चली आज के इस इंटरव्यू के बाद में. So thank you so much and thank you viewers for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उन लोगों के साथ में जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकता है. साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आप और किन ब्रांचेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन ब्रांचेस के भी हम लोगों को आपके सामने लेके आएंगे और उसके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कशन करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.